नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक सांप के बारे में, जिनके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। डायनासोर के समय सांप डायनासोर से भी बड़े होते थे और कई सांपों के पंख भी होते थे, जिससे वो हवा में उड़कर पंछियों का शिकार कर सके। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं सांप से जुड़ी कुछ रोचक बातें जो आपको हैरान कर देगी। सांप इस धरती पर 130 करोड़ साल से है, यानी कि डायनासोर के समय से, जिनमें से कई सांप अपने से बड़े डायनासोर का शिकार आसानी से कर लेते थे। दुनिया में सांपों की लगभग 2537 प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से केवल 20% प्रजातियों में जहर पाया जाता है। दुनिया में हर साल सांपों द्वारा 500,000 लोग मारे जाते हैं, जो किसी भी जानवर द्वारा सबसे अधिक है। दुनिया में कोई भी सांप बिना सेड़े कभी नहीं काटता। काटने की अधिक घटना उन पर गलती से पैर रख देने की वजह से होती है। सांप कभी भी किसी भी चीज को चबाकर नहीं खा, बल्कि सीधे ही निकल जाते हैं। दुनिया भर के सांप सिपकली, पंच, चूहे और अपने से छोटे सांपों को भी खा जाते हैं। अफ्रीका का अजगर तो छोटे गांव को भी निकल जाता है, जिसे एनाकोंडा के नाम से जाना जाता है, जो काफी बड़ा और विशाल होता है। अफ्रीका में पाए जाने वाले सांप, कई खोज चल रही है। वैज्ञानिक पता लगाना चाहते हैं कि आखिर इनके शरीर में ऐसा क्या है जिससे इनका शरीर काफी विशाल बन जाता है और बाद में इसका प्रयोग इंसानों पर किया जा सके। नेशनल जियोग्राफी के अनुसार सांप एक बार में से अपने से बड़ा शिकार भी निगल सकता है। कि सांप अपनी नाक से नहीं बल्कि जीभ से सूंघता है, अपनी जीभ से अपने आसपास का माहौल पता लगाते हैं। सांप साल में कम से कम 3 बार अपनी चमड़ी को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। क्या आपको पता है कि अफ्रीका में पाई जाने वाली एक प्रजाति एनाकोंडा के सामने इंसानों की बलि देती है ताकि वो उसे खा सके, फिर दोबारा उनके कबीलों के लोगों पर हमला ना करे। ज्यादातर वो बाहर से आए हुए लोगों को पकड़कर उन्हें की बलि देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सांप को कोई आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि सांप बहरे होते हैं। बीन की आवाज सुनकर सांप का आना केवल लोगों में फैला हुआ अंधविश्वास है। अगर कभी सांप पीछे पड़ जाए तो अपनी जान बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा जाने की जैक बनकर दौड़े। सीधे दौड़ने पर सांप आपका तेजी से पीछा कर सकता है, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा दौड़ने पर सांप लंबे समय तक आपका पीछा नहीं कर पाएगा। सबसे दुर्लभ और लोकप्रिय का कगार खड़ा सांप सेंट लुइस सरेसर है। इनमें केवल 1806 सांप ही बचे हैं। दुनिया भर में सांपों की 70% प्रजातियां ही अंडे देती है, बाकी की 30% प्रजातियां डायरेक्ट बच्चे पैदा करती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर बताइए। वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।